नमस्कार, मैं हूं दिव्यांशु शेखर। आप देख रहे हैं बिहारी। दोस्तों, अंतर्राष्ट्रीय क्रिकेट में शतकों की झड़ी लगाने वाले और रन मशीन के नाम से प्रख्यात भारतीय टीम के कप्तान विराट कोहली मौजूदा दौर में दुनिया के सर्वश्रेष्ठ बल्लेबाजों में से एक, इसमें कोई शक नहीं है। लेकिन कप्तानी की बात करें तो वो एक बार फिर नाकाम रहे। इंग्लैंड में साउथहैम्पटन के हैम्पशायर बॉल क्रिकेट स्टेडियम में खेले गए आईसीसी वर्ल्ड टेस्ट चैंपियनशिप के फाइनल मुकाबले में विराट की कप्तानी में टीम इंडिया को न्यूजीलैंड के हाथों हार का सामना करना पड़ा। हालांकि इस हार के कई कारण हैं, जैसे हमारे बल्लेबाजों के बेहद खराब प्रदर्शन, तैयारियों की कमी, एक्स्ट्रा स्विंग गेंदबाजों की कमी इत्यादि। मगर ये भी सोचने वाली बात है कि जब से विराट कोहली टीम इंडिया के कप्तान बने हैं, हम एक भी आईसीसी टूर्नामेंट नहीं जीत पाए हैं। याद कीजिए चैंपियंस ट्रॉफी 2017, जहां टीम इंडिया फाइनल में पहुंचकर पाकिस्तान के हाथों हार गई। फिर 2019 वर्ल्ड कप सेमीफाइनल, इसको कौन भूल सकता है, क्योंकि इसी मैच में हमने धोनी को टीम इंडिया की जर्सी में आखिरी बार देखा था। इस मैच में इसी न्यूजीलैंड ने हमें हराकर फाइनल में प्रवेश किया था। तो ऐसा क्या हो जाता है जो हम जीत के इतने करीब होकर भी हार जाते हैं? पहले लोग साउथ अफ्रीका को जोकर्स कहते थे, अब टीम इंडिया को कहने लगे। हालांकि कोहली की कप्तानी को लेकर पहले भी सवाल उठते रहे हैं, मगर इस हार के बाद तो हाहाकार मच गया। सोशल मीडिया पर रिमूव कैप्टनसी ट्रेंड कर रहा है। इस मांग में दम भी है, क्योंकि आईसीसी टूर्नामेंट तो छोड़ दीजिए, कोहली एक बार भी अपनी टीम को आईपीएल का खिताब भी नहीं जितवा पाए। ऐसे में कोहली की कप्तानी पर सवाल उठना तो जायज, लेकिन सवाल ये है कि आखिर कौन होंगे भारतीय टीम के अगले कप्तान। अभी हाल ही में ऑस्ट्रेलिया दौरे पर जब टीम इंडिया गई थी, तो कोहली एक टेस्ट मैच खेलकर भारत वापस लौट आए थे। तब उपकप्तान अजिंक्य रहाणे ने जबरदस्त नेतृत्व का परिचय दिया था और भारत ने ऑस्ट्रेलिया को मात दी थी। खैर, टेस्ट क्रिकेट को छोड़ देते हैं, लिमिटेड ओवर्स की बात करते हैं, यानी वनडे और टी20 क्रिकेट। क्रिकेट के इस फॉर्मेट में रोहित शर्मा को कप्तान बनाने की मांग हो रही है। क्रिकेट के दिग्गजों ने विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को टीम इंडिया के कप्तान बनाने की वकालत की है। इंडिया टीवी को दिए गए एक इंटरव्यू में भारत के दिग्गज खिलाड़ी, पूर्व भारतीय विकेटकीपर और टीम इंडिया के पूर्व चयनकर्ता किरण मोरे ने कहा कि विराट कोहली की जगह रोहित शर्मा को कप्तान बनाया जाना चाहिए। किरण मोरे ने कहा था, रोहित शर्मा जल्द कप्तान बन सकते हैं, विराट कोहली धोनी की कप्तानी में खेले हैं, कोहली कब तक लिमिटेड ओवर्स की कप्तानी करना चाहते हैं इसके बारे में वो भी सोचेंगे। मोरे ने कहा कि इंग्लैंड दौरे के बाद सभी इन फैसलों के बारे में और जानेंगे। उनका कहना था कि इंग्लैंड दौरे के बाद भारतीय क्रिकेट टीम में कुछ बड़े बदलाव देखने को मिल सकते। किरण मोरे का मानना है कि आगामी टी20 वर्ल्ड कप के लिए टीम इंडिया की कमान रोहित शर्मा को सौंपी जा सकती है। तो अब देखने वाली बात होगी कि इंग्लैंड दौरे के बाद क्या होता है। आपके विचार में क्या होना चाहिए? क्या रोहित शर्मा को कप्तानी सौंपनी चाहिए या फिर विराट कोहली को ही कप्तान बना रहना चाहिए? अभी के लिए इतना ही। क्रिकेट से जुड़ी खबरों के साथ हम फिर मिलेंगे। अभी दीजिए इजाजत। धन्यवाद।